हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और अभी मैं हूँ ISBD बस स्टैंड पे और यहाँ से आज मैं हरिद्वार के लिए जा रहा हूँ। तो पीछे जो बस है ये, इससे मैं जाऊँगा हरिद्वार। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो 7:30 के आसपास हो रहा है। बात करूँ यहाँ से टाइमिंग की, तो यहाँ से हर एक घंटे में हरिद्वार के लिए बस है और सुबह आपको 4 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक आपको बस मिलेगी। प्राइवेट और जो अपन सरकारी बसेस होते हैं दोनों अवेलेबल है। तो अभी चलते हैं बस के अंदर, अपनी सीट रिजर्व करते हैं। सबसे पहले देखता हूँ कि मेरे को फ्रंट में मिलता है कि नहीं मिलता, और फिर आगे की जर्नी आपको दिखाते हैं। वो पहाड़ से खाली है क्या? मराठी का तुमने यार ब्लॉगर हो गया। हाँ भाई, बात करो बस की तो 3x2 का सीट आप देख सकते हो, और लगेज वगैरह रखने के लिए भी फैसिलिटी है। बस काफ़ी बड़ी है। बात करने पे पता चला कि 5 घंटे के आसपास आपको लग जाएगा, बाकी जो अगर ट्रैफिक जाम होता है या कुछ होता है तो उसमें देखते हैं क्या लगता है। भाई बस हमारी खुल गई है और जो है यहाँ आस पास भी आपको मैं आगे का व्यू दिखाता हूँ। बस थोड़ी से आगे चल के रुक गई है क्योंकि थोड़ा सा इंजन में कुछ प्रॉब्लम आया हुआ है। वहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। हो गया भैया, ठीक हो गया। ट्रैफिक जाम दिल्ली का, टोल प्लाजा क्रॉस कर रही है और अभी टाइम जो है 10 बज गए है। यह टोल प्लाजा जहाँ पर सारी गाड़ियाँ लग रही है, देख सकते हैं ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, हम लोग टोल प्लाजा से निकल रहे हैं। अभी बस होल्ड की है और अभी हम लोग हैं खतौली बाईपास पे। तो यहाँ से अभी हरिद्वार 100 किलोमीटर और है,
और अभी हम लोग सुबह 7:30 के आसपास निकले, तो अभी 10:30 के आसपास हो रहा, तो 3 घंटा चल दिए हैं। और यहाँ से 100 किलोमीटर जो है देखते हैं कितने देर में मतलब कंप्लीट होता है। बाकी स्टार्ट में जब हम लोग चल रहे थे तो वहाँ से काफ़ी स्लो थी और बीच में बस भी ख़राब हो गई थी, लेकिन अब बस काफ़ी अच्छे स्पीड से चल रही है और रोड भी काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल हाईवे वाला। तो देखते हैं कितने देर का पहुँचेंगे क्या है। और इसके बाद जो है खतौली बाईपास के बाद जो अगला स्टॉप है जो है मुजफ्फरनगर, और बस आप देख सकते हो यही है बस जिससे अभी हम लोग आए थे। और अभी थोड़ा सा ब्रेक है, एक बस और आके रुकी है, ये वाली भी एक बस है जो एक और रुकी है, ये वही जाएगी। हरी देखो कितनी मस्त प्लेस है, मतलब रोड वोड एकदम क्लीन। वो देखो आगे का बोर्ड भी लगा वहाँ पे, आपको दिख सकता होगा महरौली का है वो, वहाँ पे आगे आपको दिख रहा होगा महरौली का बोर्ड लगा हुआ। तो गाइस अभी मैंने ये एक जूस ले लिया है 20 का, मैं बोला चलो थोड़ा कुछ पी भी लेते हैं ठंडा। तो खाना वाना नहीं खाया क्योंकि बस में ज़्यादा खाने के बाद क्या होता है कि थोड़ा वॉमिटिंग वॉमिटिंग का टेंशन हो जाता है, तो मैंने वो नहीं लिया, तो एक जूस ले लिया है ये। और अभी यहाँ पे 30 मिनट का स्टॉपेज है, तो 10 मिनट तो हो गए, 20 मिनट और है। अभी सब लोग खाना वाना खा रहे हैं, दिखाता लेकिन अलाउ ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। बाकी ये सबसे बेस्ट है, ठंडा आराम से पियो गर्मी वर्मी में, पेट भी हेल्दी। हरिद्वार तो आ गए बस स्टैंड के पास फाइनली। 6.5 घंटे की जर्नी थी और बहुत लंबी जर्नी हो गई, इतनी लंबी जर्नी होनी नहीं चाहिए थी, बस बहुत रुक रुक के आई, बाकी ठीक है। बाकी यहाँ से जो आगे का जो ब्लॉग व्लॉग होगा वो आपको अगले एपिसोड में दिखेगा। तो अभी सबसे पहले मैं खाना खा लेता हूँ, मेरे को बहुत जोर की भूख लगी है। बाकी आपको एक बार मैं पूछेगा दूर वो है बस स्टैंड, वहाँ बोले दिख रहा है वो बस स्टैंड है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कहीं बैठ के कुछ बढ़िया से तसल से खाते पीते हैं।
और फिर इसके बाद आगे का जो अगला एपिसोड होगा वो आपको, ठीक है, बाय बाय।